डबल एक्सपोजर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना और यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करना। तो उसके लिए सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट में चूज कर लीजिए, तो ये सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद सेलेक्ट एंड मास्क में आके हेयर रिफाइन करना है। हेयर रिफाइन करने की जरूरत है कि नहीं ये पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, ठीक है। सो उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो मास्क सही से हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे पूरी नीड है मुझे लगता है। तो हेयर रिफाइन टूल से आप हेयर को रिफाइन कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इमेज के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है हेयर रिफाइन थोड़ा करने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे न्यू लेयर सेट करके आप ओके कर दो, ठीक है। न्यू लेयर सेलेक्ट कर लिया हमने और ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है। या ओ कुछ यहाँ पे गलती है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये गलती है। तो कोई इशू नहीं है, डबल एक्सपोजर क्रिएट करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अपने दूसरे फोटो को लेकर आते हैं हम लोग। दूसरे फोटो को प्लेस करते हैं, ठीक है। दूसरे फोटो को ले आए, अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पूरे बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना हमारे सब्जेक्ट का बॉडी है उतने तक ये फोटो को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। और ये एक्सपेंड करने के बाद डबल क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसको क्लिपिंग मास्क कर लेना है, ऑल्ट दबा के मिडिल जो दोनों लेयर के बीच में कर देते हैं तो क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो जाता है। और मास्क बटन करके, मास्क करने के बाद ब्रश टूल से आप पेंट कर लो, ठीक है। ये आप बहुत आराम से करना, ठीक है। फ्लो आप देख लेना कम होना चाहिए और ओपेसिटी आपकी कम होनी चाहिए, ये दोनों अपने अकॉर्डिंग अपना मैनेज करके। मेरे अकॉर्डिंग मैं हमेशा कम करके ही काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना अपने इमेज में, आप बोर हो जाओगे, इस वजह से मैंने फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो कभी कभी मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो जा रहा है फिर व्हाइट हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्स बटन का यूज कर रहा हूँ जिससे कि हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड स्विच हो जाता है। अब क्या करना है, हमको वार्म टोन इसको क्रिएट करना है। तो फोटो फिल्टर अब सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको वार्म टोन या कूल टोन जो भी आपका फोटो है जो भी देना होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और इंक्रीज कर देना, ठीक है। अब इसको हम चलिए देखते हैं इसको फोटो पे केवल कैसा लगता है। तो हमने क्लिपिंग मास्क किया है, आपको पता है अल्ट दबा के कर दोगे तो वो हो जाता है क्लिप, ठीक है। मिडल में जब क्लिक करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो रिलीज कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू कर दिया मतलब। अब चलो जितना दिख रहा है उसको एक लेयर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस ई दबा दोगे तो ये क्रिएट हो जाता है। अब हम इसको ग्रेडिंग करेंगे थोड़ा सा, तो अगेन आप ग्रेडिंग अपने फोटोज के अकॉर्डिंग करोगे। तो ये जो मैं ग्रेडिंग कर रहा हूँ वो मैं अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये जो फिल्टर है वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप फोटोज जब फाइनल कर लेते हो, जब ग्रेड करते हो ना, तो अलग ही लेवल पे क्रिएटिविटी दिखने लगती है। हमारा इमेज ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।